नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। काले धन से तो देश को इस ऐतिहासिक कदम के बाद मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन नकली नोट का दानव क्या एक बार फिर वापस नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। आज सवाल ये उठने लगा है कि इस समस्या का परमानेंट सोल्यूशन क्या है। करेंसी चेंज पर सरकार के फैसले का लोगों ने स्वागत तो किया, लेकिन कैसे आपका छोटा सा कदम देश के साथ साथ आपकी दिक्कतें भी कम कर सकता है, वो आज हम आपको बताएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। काले धन और नकली नोट पर नकेल कसने के लिए करेंसी चेंज का फैसला पहली बार नहीं लिया गया है। पहले भी कई बार बड़े नोटों को अर्थव्यवस्था से बेदखल किया जा चुका है। तब भी मकसद यही था कि काले धन और नकली नोट से आजादी मिले। इस बार भी इन्हीं दुश्मनों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने उठाया है बड़ा कदम। यानी जब जब काला धन और नकली करेंसी का दीमक अर्थव्यवस्था को खाता है, सरकार ऐसे कदम उठाती है। जानकार ये मान रहे हैं कि देश को अगले 4-5 सालों के लिए नकली नोट से मुक्ति मिल गई है। पूरी कोशिश ये है कि इसका छद्म रूप नहीं लिया जा सकता है, परंतु समय की कोई गारंटी नहीं कर सकता है। आएगा तो कम से कम 5 साल 4 साल 3 साल के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को दीमक से मुक्त तो रखा जा सकता है। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से यह बहुत ही सराहनीय और विश्वसनीय कदम है। कैसे इस समस्या को जड़ से खत्म किया जाए, इस सवाल का एक ही जवाब है, कैशलेस ट्रांजैक्शन। कैशलेस यानी आप जब भी कोई सामान या सर्विस लें और उसके लिए आपको कैश पेमेंट ना करनी पड़े, किसी को पैसे देने हो या किसी से लेने हो, बस मोबाइल में एक बटन दबाया और हो गया पेमेंट। नोट लेने देने और संभालने का झंझट ही खत्म। सोचिए आज अगर आप कैशलेस पेमेंट सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे होते तो बैंक की लाइन में ना खड़े होते। बैंक भी कोशिश कर रहे हैं कस्टमर को डिजिटल पेमेंट सिस्टम की ओर ले जाने की। पूरे देश को ई मुद्रा की ओर आसानी से तभी ले जाया जा सकता है जब तमाम बैंक कंपनियां और रेगुलेटरी अथॉरिटीज मिलकर काम करें। It's a part of government's effort also to promote these, you know, all these trading through non-cash means. हमारे देश में करीब 95% पेमेंट कैश या चेक के जरिए हो रही है। दुनिया भर में स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या के मामले में हम तीसरे नंबर पर आते हैं। हमारे यहाँ 12 करोड़ 5 लाख से भी ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं। लेकिन डिजिटल पेमेंट के मामले में हम अब भी नौसिखिए हैं, क्योंकि महज 2.5 करोड़ यूजर्स ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। असीमित पैसा घोटालों को और स्कैम्स को जन्म देता है। जब हम साधारण करेंसी का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी देखरेख का जिम्मा बैंक का होता है। यानी पैसा कहां से चलकर किसके पास पहुंचा, इसका पूरा रिकॉर्ड बैंक अपने पास रखते हैं। डिजिटल करेंसी पर किसी सरकार या बैंक का नियंत्रण नहीं होता। ये एक ऐसी कंप्यूटर कोडिंग है जिसके साथ घोटाला भी नहीं किया जा सकता। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। बिटकॉइन इंटरनेट की दुनिया से जुड़े कंप्यूटर्स के जरिए पेमेंट का नया तरीका है। बिटकॉइन का सारा हिसाब किताब इंटरनेट पर मौजूद रहता है। यानी बिटकॉइन काले धन की समस्या को भी समाप्त कर सकता है। आज दुनिया भर के हजारों प्रोग्रामर बिटकॉइन के फीचर्स को ज्यादा मजबूत और सुरक्षित बना रहे हैं। देश को जरूरत है कैशलेस क्रांति की। डिजिटल पेमेंट से पैसों का लेन देन पारदर्शी रहता है, साथ ही नकली करेंसी और काले धन से मुक्ति मिलती है। इससे आपकी जिंदगी भी आसान होगी। आने वाला वक्त कैश का नहीं बल्कि कार्ड का होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 19 रुपए की कोई चीज लेने के बाद अगर आप 20 का नोट दुकानदार को देते होंगे तो ज्यादातर आपको 1 रुपया वापस नहीं मिलता होगा। आपको एक टॉफी थमा दी जाती होगी हाथ में और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता, आपको चुपचाप उसे लेना ही पड़ता है। अगर आप मोबाइल वॉलेट और डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करें तो इससे आप बच सकते हैं। मोबाइल वॉलेट या डिजिटल पेमेंट का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इससे कैश का यूज कम हो जाएगा और ब्लैक मनी पर रोक लग सकेगी। करेंसी का कम यूज होना मतलब ये कि बैंकों के लिए भी आसान। कैश और खासकर सिक्कों को मैनेज करना मुश्किल और महंगा काम है। अक्सर आप कैश वैन लूटे जाने की खबरें भी देखते हैं। कैश एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफी रिस्की काम है। नकली करेंसी का खतरा भी लगातार बना रहता है।
मोबाइल वॉलेट या डिजिटल पेमेंट से पेमेंट पर किसी भी तरह के फ्रॉड से आप बच सकते हैं। किराने की दुकान पर चेंज न होने की वजह से ग्राहकों को टॉफियां पकड़ा देना एक आम बात है। ग्राहकों के लिए ये घाटे का सौदा रहता है। इसे रोकने में मोबाइल वॉलेट काफी मददगार है। ग्राहक दुकानदार को मोबाइल वॉलेट की मदद से ठीक उतना ही पेमेंट कर सकता है जितने का उसने सामान खरीदा। और दूसरी तरफ दुकानदारों के लिए भी ये फायदेमंद है। कैशलेस होने पर इन खर्च से निजात मिलती है। अगर आपने किसी मोबाइल वॉलेट के जरिए अपने मोबाइल का बिल पे किया है, अपना डीटीएच रिचार्ज कराया है, तो आपको अक्सर कैश बैक दिया जाता है। देखा जाए तो ये आपके लिए फायदे का सौदा है। और कैशलेस बनने का क्या मतलब होता है, ये वो आपको समझा देते हैं। कैशलेस दरअसल इसका मतलब ये है कि आपकी जेब में नकद नहीं बल्कि आपके पास डिजिटल मनी का होना। पैसों का लेन देन अगर बैंकिंग के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से किया जाए तो वो कैशलेस ट्रांजेक्शन कहलाता है, यानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल किया जाए, उसी को कहते हैं कैशलेस ट्रांजेक्शन। कैशलेस देश में काले धन के लेन देन की गुंजाइश बेहद कम कर देता है। सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ जाता है क्योंकि बैंक कार्ड से पेमेंट होने से कर चोरी को रोका जा सकता है। जो टैक्स की चोरी लगातार करते हैं लोग, उस पर इससे लगाम लग जाती है। सरकारी मशीनरी में फैले भ्रष्टाचार को भी जड़ से मिटाने में काफी ये मददगार साबित होता है। नोटों की प्रिंटिंग का सरकारी खर्च भी कम हो जाता है। सरकार के लिए सब्सिडी और दूसरे आर्थिक लाभ लोगों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर करना, ये काम भी काफी आसान हो जाता है इसके जरिए। बैंक के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए लेन देन करने में वक्त भी बचता है, तो पैसा भी कम खर्च होता है, वक्त भी कम जाया होता है, तो ये कुल मिलाकर फायदे का सौदा है। अगर आप फिलहाल कैश की कमी से परेशान हो रहे हैं तो आपको लंबी लाइन में लगने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। कैसे आसानी से आप बिना पैनिक के अपने रोजमर्रा के काम कैशलेस कर सकते हैं, वो भी आइए आज हम इसके बारे में आपको जानकारी दे दें। आप जो इन मुश्किलों से जूझ रहे हैं इन दिनों, काफ़ी ये प्रॉब्लम बनी हुई है, समस्या है कि कैसे ट्रांजेक्शन्स की जाए, तो यही हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि घर में किसी छोटे मोटे सामान की ज़रूरत अगर आपको पड़ जाए तो आप बड़ी रिटेल चेन्स के स्टोर्स का रुख कर सकते हैं। यहाँ पर खरीदारी करके आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। किराने की बड़ी दुकानों पर भी आजकल कार्ड स्वाइप करने वाली मशीनें रखी जाने लगी हैं, वहां से भी आप आसानी से खरीदारी कर सकते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है वो इतना ज्यादा मॉडर्नाइज होता जा रहा है। इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स भी हैं जहां से आप डिस्काउंट के साथ किराना आइटम्स की ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। जब आप फ्यूल भरवाने जाएं उसके लिए भी आप कभी भी कार्ड देकर तेल या CNG भरवा सकते हैं। ऐसी कैब सर्विसेज जो ई वॉलेट्स को सपोर्ट करती हैं, आप उनसे यात्रा कर सकते हैं। ऐसी एप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जहां आप पहले ही पेमेंट करके ऑर्डर कर सकते हैं। आप ऑनलाइन पेमेंट करके होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं। अगर दवाओं की ज़रूरत है तो आप केमिस्ट शॉप में जाकर कार्ड के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। ज़्यादातर केमिस्ट शॉप्स में कार्ड स्वाइप मशीन्स आजकल रखी ही होती हैं।